हाय दोस्तों, मेरा नाम सोहन सिंह है और अब मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ। आप YouTube के अलावा अब अन अकेडमी पर मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मैं अन अकेडमी के लिए अब जनरल स्टडी, GK और चाइल्ड वेलफेयर पेडागॉजी के और इसके अलावा हरियाणा से संबंधित लेक्चर वहाँ पर बनाऊंगा। आप मुझको अन अकेडमी पर फॉलो भी कर सकते हैं। अन अकेडमी की आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सब्सक्राइब करें करियर अकेडमी अम्बाला के YouTube चैनल को और नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को। अब मैं आपको कराता हूं मध्यकाल, यानी मध्यकाल में दूसरा चरण आएगा मुगल काल। मुगल काल के काफी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आते हैं मुगल काल के पानीपत के युद्ध से। पानीपत के युद्ध, आपको पता है कि पानीपत के तीन युद्ध हुए हैं, 1526, 1556 और 1761। तो तीन पानीपत के युद्ध हुए 1526 में। पहला युद्ध था, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पहला युद्ध था तो सल्तनत वंश का अंत हुआ और मुगल वंश की स्थापना होती है पानीपत के पहले युद्ध से। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था मुगल वंश के लिए। दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था, हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य जो है रेवाड़ी से थे, रेवाड़ी का प्रसिद्ध शासक रहा है, जो दिल्ली का बादशाह बना, दिल्ली का राजा बना, पहला हिंदू शासक अगर दिल्ली में आए तो हेमू विक्रमादित्य। उसने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, उसे हेमू कहा जाता है। तो हेमू दिल्ली का हिंदू शासक बना। तो अकबर ने हेमू के विरुद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था 1556 में। पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान ने अकबर का साथ दिया, सेनापति था बैरम खान। तो उस युद्ध में हेमू को हराया गया और उसकी मृत्यु होती है पानीपत के दूसरे युद्ध में। तो दूसरे युद्ध से अकबर शक्तिशाली हुआ, दिल्ली पर उसका कब्जा हुआ और पूरे भारत पर उसने मुगल वंश की दोबारा से स्थापना की। तो अकबर के लिए दूसरा पानीपत का युद्ध बहुत ही महान था और मुगल वंश के लिए भी काफी महान माना जाता है। फिर आता है पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध जो है 1761 में आता है। पानीपत का तीसरा युद्ध आएगा 1761 में। यह युद्ध हुआ था मराठों के और अब्दाली के बीच में। मराठे उत्तर भारत में नियंत्रण रखते थे काफी बड़े क्षेत्र पर, और मराठों और अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था और तीसरा युद्ध जो है मराठों के लिए घातक साबित हुआ। मराठा वंश का जो शासन था वो उसका अंत हुआ। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शासक सदाशिव राव, यानी जो उनका सेनापति था सदाशिव राव, उसको पराजित किया और इसके बाद हरियाणा से मराठा शासन का अंत हुआ था पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुगल काल में, सबसे पहले हमने देखा कि हरियाणा में बाबर का शासन था। बाबर ने 1526 से 30 के बीच में शासन किया है। अब कुछ और क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आते हैं, जैसे बाबर के खिलाफ 1528 में एक विद्रोह हुआ था मोहन सिंह मधान का। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि मोहन सिंह मधान का विद्रोह कब हुआ था, तो आएगा 1528 में मोहन सिंह मधान ने विद्रोह किया था बाबर के खिलाफ और यह विरोध हुआ था कैथल में, यानी मुगल वंश के खिलाफ कैथल से आंदोलन मान लो या विद्रोह हुआ था मोहन सिंह मधान का। तो मधान रियासत का शासक था मोहन सिंह कैथल से 1528 में। इसके अलावा बाबर के खिलाफ मेवात में आता है हसन खां मेवाती, वहाँ का सेनापति था, वहाँ का शासक था। तो उसने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था और इसके कारण हसन खां मेवाती ने 1528 में खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया था। यानी खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती लड़ा था और उस युद्ध में इसकी मृत्यु भी होती है। हसन खां मेवाती की बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मृत्यु होती है और हसन खां मेवाती नवाब था मेवात का प्रसिद्ध, जिसने महाराणा सांगा का साथ दिया था। तो ये दो प्रसिद्ध विद्रोह आते हैं बाबर के खिलाफ। फिर क्वेश्चन आएगा बाबर का बेटा हुमायूं आया। तो हुमायूं का एक क्वेश्चन आता है कि हुमायूं ने मस्जिद कहां बनाई है।
हुमायूं की एक मस्जिद आती है फतेहाबाद में, हुमायूं की मस्जिद आती है फतेहाबाद में बनाई थी हुमायूं ने, एक प्रसिद्ध मस्जिद आती है। फिर आता है अकबर, अकबर था तीसरा शासक, हुमायूं का बेटा था अकबर। तो अकबर से पहले हुमायूं और अकबर के बीच में आता है शेरशाह सूरी। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, शेरशाह सूरी जो है ये सूरी वंश का शासक है, याद रखना है आपको, अफगान वंश आएगा सूरी वंश, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। तो शेरशाह सूरी ने 1540 में, 1540 में हुमायूं को पराजित किया और भारत से भागने को मजबूर कर दिया। तो उसके बाद 1540 से लेकर 1545 के बीच में रूल किया था शेरशाह सूरी ने, ये शासन 5 साल का था। तो क्वेश्चन आएंगे शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म नारनौल में आता है, शेरशाह सूरी का जन्म नारनौल में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फरीद किसके बचपन का नाम था, तो फरीद आएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। क्वेश्चन आया हुआ है इब्राहिम खान सूरी का, इब्राहिम खान सूरी का मकबरा कहां पर है, इब्राहिम खान सूरी जो है शेरशाह सूरी का दादा था, तो उसका मकबरा नारनौल में आएगा महेंद्रगढ़ में, और इस मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने इब्राहिम खान अपने दादा के मकबरे का निर्माण किया था नारनौल में। तो शेरशाह सूरी जो है नारनौल का जमींदार था, बचपन का नाम इसका फरीद था, और इसने बाद में यहां पर इब्राहिम खान का मकबरा बनाया था नारनौल में। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में सरकार को बनाया था, एक प्रशासनिक मंडल था जिसका नाम सरकार था, तो हरियाणा में भी एक दो सरकार बनी थी, प्रांत होते थे उस समय के छोटे। शेरशाह सूरी ने कौस मीनारों का निर्माण किया है, कौस मीनारें शेरशाह सूरी ने नेशनल हाईवे के पास लगवाई थी, तो उनको कहा जाता है कौस मीनारें। हरियाणा में काफ़ी सारी कौस मीनारें मिलती हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत में कौस मीनारें मिलती हैं। तो कौस मीनार का अगर क्वेश्चन आए किससे जुड़ी हुई है, तो शेरशाह सूरी से जुड़ी हुई है कौस मीनार, यानी मपाई को मापने के लिए रोड पे कौस मीनार बनाई थी शेरशाह सूरी ने हरियाणा में। तो शेरशाह सूरी से जुड़े हुए ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। तो शेरशाह सूरी का वंश था सूरी वंश। तो अकबर आता है, अकबर ने 1556 से शासन किया है 1605 तक। तो अकबर ने महत्वपूर्ण रूप से शासन किया, हरियाणा पे भी उसका रूल था। तो अकबर से संबंधित कम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि जो यमुनानगर बुडिया में आता है, बीरबल का, बीरबल का रंग महल जो आता है वो आएगा बुडिया में, तो वो अकबर से जुड़ा हुआ है बीरबल। तो उसका रंग महल आता है बीरबल का यमुनानगर में, तो माना जाता है बीरबल जो है यमुनानगर से जुड़े हुए थे। इसके बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के आमतौर पे क्वेश्चन नहीं आते हरियाणा में। फिर आता है शाहजहां, शाहजहां के भी क्वेश्चन नहीं आते, शाहजहां का सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि कुरुक्षेत्र में जो एक मकबरा आता है जिसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, जिसे कहा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो शाहजहां के समय में निर्मित हुआ था कुरुक्षेत्र में, और उसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, तो शाहजहां का आएगा। फिर आता है दारा सिको, दारा सिको शाहजहां का बड़ा भाई था। फिर आता है दारा सिको, दारा सिको जो है शाहजहां का बड़ा बेटा था। तो दारा सिको जो है पलवल क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रूप से रहा करता था, दारा सिको के लिए प्रसिद्ध था पलवल, तो उसने काफी समय पलवल में बिताया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है शाहजहां के बारे में। फिर क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा औरंगजेब के बारे में, यानी मुगल वंश में औरंगजेब से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो औरंगजेब जो है 1656 से शासक बना था, 1658 से लेकर 1707 तक शासक रहा। इसके खिलाफ जाटों ने विद्रोह किया था, जाटों ने विद्रोह किया था, मथुरा के जाट, यानी यूपी के मथुरा के जाट थे जिन्होंने विद्रोह किया था। तो गोकुल, गोकुल जाट ने विद्रोह किया था। एक आता है जवाहर सिंह, जवाहर, तो गोकुल और जवाहर ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध भी किया। तो प्रसिद्ध युद्ध आता है दोनों का, तिलपत का युद्ध, तिलपत में दो युद्ध हुए,
तिलपत यानी फरीदाबाद में गांव आएगा तिलपत। तिलपत के युद्ध में औरंगजेब के खिलाफ जाटों के दो राजा थे गोकुल और जवाहर, दो अलग अलग युद्ध हुए थे तिलपत में। तो पहले युद्ध की डेट आती है 1669 में, 1669 में युद्ध हुआ था तिलपत का, जो औरंगजेब की सेना के खिलाफ था और जाटों का नेता था गोकुल। तिलपत का युद्ध का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है औरंगजेब के खिलाफ सतनामियों का विद्रोह हुआ था। सतनामी जो है एक प्रसिद्ध लोग थे जो कबीरपंथी थे, कबीर को फॉलो करते थे सतनामी। तो सतनामियों ने नारनौल में, सतनामियों का विद्रोह आएगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो सतनामियों ने भूमि कर को लेकर एक विवाद हुआ, जिसके कारण सतनामियों ने विद्रोह किया और औरंगजेब के खिलाफ किया। सतनामियों का नेता माना जाता है वीरभान। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के टाइम में हुआ था और उनका नेता था वीरभान, जिसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। फिर आता है 1675 में, 1675 में सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को शहीद किया था औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर। तो गुरु तेग बहादुर जी हैं जो वो हरियाणा से गुजरे और हरियाणा में कई स्थानों पर उनके गुरुद्वारे बने हुए हैं, जैसे रोहतक के लाखन माजरा में, रोहतक के लाखन माजरा में उनका प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। जब वो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने निवास किया था रोहतक में। तो गुरु तेग बहादुर जी का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि उनके गुरुद्वारे आते हैं कैथल में, जींद में उनके गुरुद्वारे मिलते हैं। फिर आता है गुरु गोविंद सिंह जी का, दसवें गुरु का आता है गुरु गोविंद का। तो गुरु गोविंद सिंह के दसवें गुरु होने के नाते उनका क्वेश्चन आता है कि खालसा पंथ की शुरुआत, खालसा पंथ की शुरुआत दसवें गुरु ने की थी। तो उनका एक क्वेश्चन आता है कि बंदा बहादुर को सैनिक जिम्मेवारी किसने दी है, यानी सेना का नेतृत्व दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। बंदा बहादुर जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था, तो उसको सेनापति बनाया गया सिख राज्य का। और बंदा बहादुर ने मुगल राज्य के खिलाफ काफी बड़ा संघर्ष किया। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बंदा बहादुर ने सबसे पहले हरियाणा में प्रवेश किया और सोनीपत में एक अपना मुख्यालय बनाया। सबसे पहले उसने सोनीपत में अपना मुख्यालय बनाया था और आसपास के क्षेत्रों में जो डाकू होते थे उनका नाश किया। फिर उसके बाद सडोरा में, यानी बंदा बहादुर ने सडोरा में अपना मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया। सडोरा में उसने एक किला बनवाया था, लोहगढ़ का किला आता है। तो बंदा बहादुर ने सडोरा में अपना हेडक्वार्टर और अपनी राजधानी बनाई और अपनी राजधानी से उसने गुरु नानक देव जी के नाम पर सिक्के चलाए थे और हरियाणा से जमींदारी प्रथा का अंत किया है। तो बंदा बहादुर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जमींदारों के खिलाफ उसने संघर्ष किया, किसानों के हक में लड़े वो, और उन्होंने पंजाब में वजीर खान को, सरहंद के नवाब वजीर खान को पराजित किया और काफी बड़े समय काल तक बंदा बहादुर ने हरियाणा पर नियंत्रण रखा था। तो बंदा बहादुर का जो हेडक्वार्टर आएगा, जो उनकी राजधानी आती है, वो आएगी यमुनानगर में सढ़ोरा में, जो हरियाणा से संबंधित आता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको पूर्व मध्यकाल के पहले लेक्चर में कराए और दूसरे लेक्चर में मध्यकाल, तो सल्तनत और मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन कराए। कुछ क्वेश्चन जो हैं बगैर डेट के हैं, इधर उधर से पूछे जाते हैं, तो मैंने कोशिश की कि अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं इसमें कवर करा पाऊँ। उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें करियर अकेडमी अंबाला के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को